बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 18 वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म से खुश आमदीद नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। किस्त के आगाज में रशियन फैक्ट्री का मंजर दिखाया जाता है। खलील अपने साथियों के साथ पादरी को लेकर फैक्ट्री में दाखिल हो चुके होते हैं। पादरी वहां काम करने वाले लड़कों को मुक्का लहराकर इशारा कर देता है। जवाबन लड़के भी मुक्का लहराकर इशारा देते हैं। फिर वो एक दूसरे को इशारे करते हैं। पहला लड़का दूसरे लड़के को जाके बताता है कि हम बगावत शुरू कर रहे हैं। इतने में फैक्ट्री के तमाम लड़कों में हलचल मच जाती है। वो लोग बगावत बगावत के नारे बुलंद करने लगते हैं। आहिस्ता आहिस्ता फैक्ट्री के तमाम मुलाजिमीन एहतजाज करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग डंडे उठा लेते हैं तो कुछ लोग मुक्के लहराने लगते हैं। वो लोग एक जुलूस की शक्ल में निकल पड़ते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि फैक्ट्री की चिमनियों ने धुआं उगलना बंद कर दिया है। उधर तहसीन पाशा के पास टेलीग्राम आता है। इंजीनियर टेलीग्राम नोट करके तहसीन पाशा को देता है। तहसीन इसे पढ़कर फातिहाना मुस्कुराते हैं और सीधा दौड़ते हुए सुल्तान के दरबार में पहुँचते हैं। सुल्तान तहसीन पाशा का मुस्कुराता चेहरा देख कर जान जाते हैं कि वो अपने मंसूबे में कामयाब हो चुके हैं। मंजर पलटता है। समंदर में एक बहरी जहाज को दिखाया जाता है। सैमुएल हानो खातून के साथ एक टेबल पर बैठकर चाय पी रहा होता है। उनके साथ वाली टेबल पर दो लड़के बातें करते हैं कि ताज़ा तरीन खबर ये है कि पोटिलोफ फैक्ट्री में आग भड़क उठी। उसका साथी कहता है कि क्या मतलब इस बात का। वो बताता है कि मजदूरों ने बगावत शुरू कर दी है। जब सैमुएल ये बात सुनता है तो उसके रंग उड़ जाते हैं। वो कहता है कि ये काम सिर्फ खलील खालिद का है। हानो कहती है कि मौका मिलने पर इसको आप मार देते। इसका मतलब है कि वो कारकुन असल में वो नहीं थे। असल कारकुन तो और थे जिन्होंने बगावत शुरू कर दी है। सैमुएल कहता कि जब हम खलील खाली से छुटकारा पा लेंगे तो हम पाया तख्त को अच्छे के लिए हासिल कर लेंगे। मंजर पलटता है। सुल्तान कहते हैं कि मेरे अजीज लोगों, वो लोग जो हमें मारना चाहते थे वो हमारे मुल्क के टुकड़े करना चाहते हैं। सुल्तान के सामने दिखाया जाता है कि उनकी पूरी काबीना हाजिर है। सुल्तान फरमाते हैं और वो ये काम रवाल में कर सकते थे। सुल्तान फरमाते हैं कि रूस से खबर आ चुकी है, पोटिलोफ फैक्ट्री में बगावत का आगाज कर दिया गया है। फवाद पाशा ये सुनकर झटका लेता है। सुल्तान मजीद फरमा रहे होते हैं कि रवाल की टेबल टूट चुकी है। हम एक नया इकदाम कर रहे हैं पाशाओ, और ये इकदाम बलकान से शुरू होगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे बताइए कि बलकान किसका है। एक पाशा बोलता है कि तुर्कों का, रूमियों का, बल्गारियों का, सर्बियन का, क्रोशियन का, अल्बानिया का, और बहुत से लोग हैं जनाब। सुल्तान फरमाते हैं, नहीं पाशा, तुम गलत हो। तुम जानते हो कि बलकानी कौन है। वो लोग हैं जो यतीम थे, और यतीम के बच्चे कौन हैं? वो हमारे छापामार फौजियों के यतीम बच्चे हैं जिन्होंने कोसोवो से जमीन हासिल की। उन्होंने मोहे के मैदान में इन शहीदों के साथ जिन्होंने जान की परवाह न करके जमीन हासिल की और अपने बच्चों को यतीम छोड़ गए। इन यतीम बच्चों की बलकान मीरास है, लेकिन अब वहाँ बहुत सारी रियासतें हैं। एक और पाशा कहता है कि ये इस जमीन पर वाकया है जो 93 की जंग के बाद उस्मानियों ने लिया था। सुल्तान फरमाते हैं कि कुछ जमीनें हैं हमसे छीन ली गई थी। हमारा फर्ज बनता है कि छीनी गई जमीनें वापस लें और मालिक को दें। ये कोई खुदगर्ज ख्याल नहीं है। क्या आप जानते हैं कि हम क्यों चाहते हैं कि बलकान हमारा हो? जब बलकान उस्मानियों के पास था तो वो लोग सकून में थे, क्योंकि फातेह सुल्तान मेहमत खान ये मुहायदा करके गए हैं। इसके बाद सुल्तान तहसीन पाशा को कहते हैं कि खत पढ़ो। तहसीन पढ़ के सुनाते हैं कि मैं सुल्तान मेहमत खान, मैं चाहता हूँ कि सभी लोग और वो बादशाह जिनके पास ये हुक्म है, मैंने बोस्निया और फ्रांसीसी ईसाइयों पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है और इस एहसान के तौर पर यह हुक्म दिया था कि बताए गए नामों और गिरजा घरों को नहीं छुआ जाएगा, कोई खलल नहीं डाला जाएगा। वो मेरे मुल्क में पुरअमन जिंदगी गुजारेंगे और यहाँ तक के वो फरार होने वाले भी सलामत रहेंगे। मंजर पलटता है। फवाद आफंदी तख्त पर मौजूद होता है। उसके पास सुल्तान का पाशा आता है। फवाद कहता है कि क्या तुम अब्दुल हमीद के सामने बैठते हो? पाशा ये सुनकर हराबी की तरफ देखता है और अपनी नशीब से खड़ा हो जाता है। फवाद कहता है कि ये तख्त नशीनी एक हकीकी तकरीब होगी, लेकिन पहले तुम मेरी इताअत कबूल करोगे। फवाद आफंदी किसी सुल्तान की तरह अपना हाथ आगे बढ़ाता है ताकि पाशा उसकी इताअत कबूल करे और हाथ का बोसा ले, लेकिन पाशा हिचकिचा रहा होता है। फवाद कहता है कि हम जल्द ही अपनी काबीना तलाश कर लेंगे, तुम्हें और पाशाओं के साथ मेरी इताअत करना होगी।
पाशा कहता कि देखो फवाद अफंदी, मैं नहीं जानता कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। फवाद तैश में आ जाता है और कहता कि बकवास बंद करो, ये वाज़े है कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सिर्फ अब्दुल हमीद का तख्त छीनूंगा, आप मेरी इस तरह मदद करेंगे, आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। अब्दुल हमीद के इकदाम के बाद जो वो बल्गारियों के साथ एतहाद के मुआहदे पर दस्तखत करेगा, हमारा फर्ज है कि इस मुआहदे को तोड़ा जाए और इसके लिए आप हमें वो हथियार देंगे जो आप रुथशील्ड के खानदान को बेचना चाहते थे। इस बात की फिक्र ना करो, पैसे तुम्हें इसके पूरे मिलेंगे। हम किसी को भी अब्दुल हमीद जैसे हुबुल वतनी की दास्तानों से काम नहीं लेने देंगे। पाशा ये बातें गौर से सुन रहा होता है, वो कहता है कि अभी मुझे ये बातें कबूल नहीं है, मैं थोड़ा सोच लूं। फवाद कहता है कि सोचने को कुछ नहीं है, या तो आप अपना पैसा लेंगे और मुझे असलहा देंगे या यूनियन जेल में आके अपनी मौत का इंतजार करेंगे। पाशा कहता है कि ठीक है फवाद आफंदी, मैं आपको असलहा दूंगा। फवाद आफंदी कहता है कि कौन है जो हथियारों की हिफाजत कर रहा है। पाशा कहता है कि इसकी हिफाजत खलील खालिद कर रहे हैं। फवाद आफंदी नहीं जानता कि खलील खालिद क्या बला है, वो इसे अनसुनी कर देता है। उसका मुलाजिम हराबी पाशा को एक बक्सा देता है, पाशा उसे खुशी से ले लेता है। फवाद कहता है कि जब हम अपनी तंजीम को असलहे से मजबूत करते हैं, आप अपनी दूसरी जिम्मेदारी को पूरा करेंगे, वो फरीजा शहजादा मोहम्मद सलीम आफंदी होंगे। पाशा कहता है कि मुझे शहजादे मोहम्मद सलीम आफंदी के साथ क्या करना होगा। फवाद कहता है कि आप इसके साथ रहकर इसका एतमाद जीतेंगे और इसकी कमजोरियाँ तलाश करेंगे, आपको मालूम हो गया होगा कि क्या करना है। हम शहजादे को अब्दुल हमीद के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, असलहा कहाँ है आप मेरे मुलाजिम और आबी को बताएंगे। इसके बाद दिखाया जाता है कि पाशा इस बक्से को लेकर एक वीरान जगह से गुजर रहा होता है, वो खुद से बातें कर रहा होता है कि अब मैं क्या करूँगा, आगे क्या होगा। वो देखता है कि उसके सामने एक डब्बे में आग जल रही है, इसके बाद वो आग के सामने अपना हाथ करता है तो वो जल जाता है। वो कुछ सोचता है और बक्से को खोलता है, देखता है कि उसके अंदर नोट भरे हैं। वो पाशा बगैर किसी सोचे उस आग के अंदर तमाम नोट उंडेल देता है। इसके साथ ही वो खुद से सवाल करता है कि मैं इसे कैसे बचूंगा। इसके बाद पाया तख्त में सुबह हो जाती है, शहनाज तैयार हो चुकी होती है, उसके पास नईम सुल्तान आती है। शहनाज कहती है कि आपने सुबह आकर मुझे हैरान कर दिया शहजादी, मैं सोई नहीं हूँ लेकिन ठीक हूँ। स्नेहा भी उसके साथ होती है, स्नेहा कहती है कि बिल्कुल जो कुछ बदर सुल्तान ने कहा, इसके बाद आपको नींद कैसे आ सकती थी। नईम सुल्तान कहती है कि मेरी अम्मी अपने साथ हादसे के बाद उलझन में पड़ गई हैं, हमें अफसोस है। स्नेहा सुल्तान कहती है कि मेरे भाई को इसके बारे में एहतियाती तदाबीर करने के लिए कहा गया है, मगर जिसने पैगाम दिया वो कामयाब नहीं हुए, मेरा भाई अभी भी समझता है कि बदर सुल्तान बिल्कुल ठीक है। शहनाज कहते कि ठीक है, ये ठीक हो जाएगा अगर मैं यहाँ से चली जाऊँ। नईम सुल्तान कहते कि ऐसा मत कहें, अगर आप इस वजह से चली जाती हैं तो मैं अपनी वालदा को कभी माफ नहीं करूँगी। स्नेहा सुल्तान कहते कि हम चाहते हैं कि आपकी शादी के बाद आपको आपके घर रुखसत कर दें। शहनाज कहते कि ठीक है, आपके ख्याल और मुखलिसाना जज्बात ने मुझे खुशी दी। मंजर पलटता है, नईम सुल्तान अपनी वालदा के साथ बैठी होती है, इतने में उनके पास जलालुद्दीन पाशा आता है। नईम सुल्तान कहती है कि जलालुद्दीन पाशा, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप कुछ अबरानी जबान के अल्फाजों के मायने बताएं। ये कुछ अल्फाज हैं जो मैंने कहीं सुने हैं पाशा। बीदार कहती है कि मेरे ख्याल में ये यहूदी दुआ या कलमात के अल्फाज हैं, लेकिन पर मैं ये यकीन से नहीं कह सकती। जलालुद्दीन पाशा कहते हैं कि क्या मैं वो अल्फाज देख सकता हूँ। जुल्फत काल्फा एक कागज जलालुद्दीन पाशा को दे देती है। जलालुद्दीन कहता है कि मैं जरूरी तहकीक कर लूंगा। इसके बाद जलालुद्दीन नईम सुल्तान से पूछता है कि क्या आपने इस किताब से कोई फायदा उठाया जो मैंने भेजी थी। नईम थोड़ी परेशान हो जाती है और कहती है कि शुक्रिया जलालुद्दीन पाशा, वो किताब बहुत फायदा मंद थी। बिदार कहते कि नईम वो कैसी किताब थी। नईम बात घुमाते हुए कहती है कि वो जुग्राफिया पे थी, मैं इन मुमालिक के बारे में मालूमात जानना चाहती थी जो मैंने नहीं देखे। बिदार नईम के जवाब से मुतमईन नहीं होती और शक की नज़र से देखती है, लेकिन दरगुजर करती हैं। दूसरी तरफ फवाद अफंदी शहनाज को कहता कि अश्करुद्दीन के हाथों से लिया गया असलहा, उस्मानी असलहा अब्दुल हमीद का हुक्म खत्म कर देगा, ये सब बल्गारियों से इत्तेफाक खत्म करने के लिए काफी होगा। अब अब्दुल हमीद का शहजादा मोहम्मद सलीम पाशा भी हमारे साथ होगा। शहनाज कहते कि मेरे पास मोहम्मद सलीम के लिए एक मनसूबा है, अब हम मिल के काम कर सकते हैं, क्या आप मुझे अपने फैसले के बारे में बताना चाहेंगे।
फवाद कहता है कि जो आपका घनावना कारोबार करता है मैं इससे बात करना चाहूँगा। दूसरी तरफ जलालुद्दीन पाशा महल की राहदारी से गुजर रहे होते हैं। उसके पीछे से नईमे सुल्तान आ जाती है। वो कहती है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, मुझे अपनी वालदा से किताब के मुतालिक झूठ बोलना पड़ा, क्या आप इसके बारे में मुझे नहीं बता सकते थे। जलालुद्दीन पाशा कहता है कि आपके पास कोई तो वजह होनी चाहिए। नईमे कहती है कि मैं तिजारत करने जा रही हूँ लेकिन मेरी अम्मी और बाबा ये नहीं जानते, मैं कामयाब होना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो मेरा एतबार करें और मुझ पर फख्र करें। जलालुद्दीन कहता है कि काबिल सताइश है आपका ये इकदाम, लेकिन तिजारत में दोस्त और बहन भाई दुश्मन बन जाते हैं, दोस्तियाँ दुश्मनी में बदल जाती हैं। मेरी तजवीज़ है कि आप इन लोगों का इंतखाब करें जिन पे एतमाद बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोग जो नजर आते हैं वो नहीं होते सुल्ताना। नईमे कहती है अच्छा तो ये बात है तो आपके बारे में क्या ख्याल है, आप वही हैं जो नजर आते हैं जलालुद्दीन पाशा। इसके बाद सुल्तान को बढ़ाई वाले कमरे में दिखाया जाता है। तहसीन पाशा आकर सुल्तान से पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। सुल्तान फरमाते हैं कि मैं झाड़ू बना रहा हूं। तहसीन कहते हैं कि हम ये काम नौकरों को भी तो दे सकते हैं, झाड़ू से धूल झाड़ना अजीब लगता है। सुल्तान फरमाते हैं ये हमारे लिए बहुत ज्यादा बाइस राहत और तस्कीन और खुशी का बाइस है पाशा। तहसीन कहते हैं कि अस्तगफिरुल्लाह मेरा ये मतलब नहीं था लेकिन ये मेरे अंदाजे से कहीं ज्यादा कीमती है। सुल्तान फरमाते हैं ये हमारे लिए बहुत खास है। तहसीन कहते हैं कि माफी चाहता हूँ लेकिन ये बताइए कि ये कहाँ जा रही है, ये कितनी कीमती है। सुभान अल्लाह, सुल्तान फरमाते हैं सब्ज गुम्बद की सफाई के लिए मैं चाहता हूँ कि वो वहाँ की सफाई हमारी झाड़ू से करें, ये हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजाए अकदस की सफाई का शर्फ हासिल करेगी। मैं चाहता हूँ कि इससे वो गुम्बद खजरा की गर्द को साफ करें, ये हर चीज से ज्यादा कीमती है पाशा। तहसीन पाशा जब ये कलमा सुनते हैं तो उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। सुल्तान मजीद फरमाते हैं इसीलिए हम इसे संभाल रहे हैं पाशा, हर चीज से ज्यादा कीमती हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनकी मोहब्बत जो मौत को खूबसूरत बनाती है, और हर चीज हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद है। तहसीन पाशा सुनते जाते हैं और रोते जाते हैं। सुल्तान मजीद कहते हैं कि हम कहते हैं कि हम इनसे मोहब्बत करते हैं लेकिन हम दिलों में नजीदगी लिए हुए हैं, हम रोते हैं आहे भरते हैं, हम उन्हें हमेशा याद रखते हैं पाशा, काश हमारा इजहार मोहब्बत का तरीका मुख्तलिफ होता या खुद से मुख्तलिफ इजहार कर सके, कभी कभी मैं गहरी सांसें लेता हूँ पाशा, शायद मैं इस खुशबू को पा सकूं, मैं चाहता हूं कि दुनिया गायब हो जाए और जब मैं आंखें खोलूं तो हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुखे रोशन मुबारक का दीदार करूं। सुभान अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी आवाज और कोई नहीं, काश मैं इस खूबसूरत मुबारक आवाज को सुन सकता पाशा। तहसीन पाशा ये सुनते हुए फूट फूट के रोने लगते हैं। सुल्तान मजीद फरमाते हैं वो क्या खूबसूरत और मुबारक आवाज होगी पाशा, काश मैं उनके इश्क की बारिश में भीग जाता और हमारे सरकार मुझे कुछ खुद से थोड़ा सा खाने को देते और मैं हमेशा भरा रहता, वो कितने मेहरबान है, काश के मैं आलम के लिए रहमतुल आलमीन की नजर हूँ और मैं उनके दरवाजे पे झाड़ू देने वाला बन जाता। मंजर पलटता है, पाया तख्त में सुबह हो चुकी होती है, एक तेज रफ्तार ट्रेन को जाते हुए दिखाया जाता है, साथ ही सुल्तान दरबार में मौजूद होते हैं। वो पेटिकोफ आफंदी को खुशामदीद कहते हैं। पेटिकोफ कहते हैं कि मशरिक के ताकतवर बादशाह सुल्तान अब्दुल हमीद खान साहब, मैं आपके लिए बल्गारिया के शहजादे फ्रेडी नीट की नेक ख्वाहिशात लाया हूँ, उनके साथ वॉम्बरे भी खड़े होते हैं। सुल्तान फरमाते हैं कि हम जानते हैं कि शहजादा फर्टिनेट क्या ख्वाब देख रहे हैं जबकि वो हमारी सरपरस्ती में है। अफंदी कहता है कि अगर आप इस खबर के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें ये जिक्र है कि बल्गारिया के शहजादे अपनी जमीनों में वसत चाहते हैं तो ये सब फरेब है। सुल्तान फरमाते हैं कि आए और धोखे में ना रखें। पेटिकोफ आफंदी, ये कोई राज नहीं है, आप उस्मानियों से वो आराजी लेना चाहते हैं जो आपको आया स्टेफानूस मुआहदे के साथ मिली थी और इसे 3 महीने तक बर्लिन के मुआहदे तक पास रखा गया, आप अपनी शहजादी को तब्दील करना चाहते हैं जो आप पर उस्मानियों की तरफ से थी। पेटिकोफ आफंदी, आप जानते हैं कि उस्मानी अगर कमजोर हो गए तो क्या होगा, दुनिया के सरमाया कार बल्गारियों को दबाएंगे,
अब हम इसकी रोकथाम कर रहे हैं। आप सोचते हैं कि आप उस्मानियों से आजाद हैं, लेकिन आप खलीफा के मातहत हैं। दोनों मुमालिक मिलकर ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं। हम देख रहे हैं कि बलखारियन भूल गए हैं कि वो हमारे मातहत हैं और दूसरी हुकूमतों से मरासिम बढ़ा रहे हैं। आप अपनी अंदरूनी मामलात में आजाद हैं, पर गैर मुल्की मामलात में आप उस्मानियों के मातहत रहेंगे। हम आपको याद दिलाते हैं, बल्गारिया और उस्मानियों के माबैन एतहाद का कतई और मुकम्मल मुआहदा होगा। अफंदी कहता है कि मैं आपकी पेशकश का जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मैं शहजादे से बात करूंगा। क्या मुझे कुछ वक्त देंगे सुल्तान? और इस तरह से इस किस्त का यहाँ इख्तिताम हुआ।